Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and today is day 16. हम लोग डेटा गैदरिंग वाला पार्ट ही कंटिन्यू करेंगे. हमने लास्ट वीडियो में देखा कि CSV डेटा के साथ कैसे काम करते हैं और इस डेटा में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि JSON और SQL फाइल्स के साथ कैसे काम किया जाता है. ठीक है, सो आई विल शेयर माई स्क्रीन. सो बिफोर गोइंग इन टू द कोडिंग पार्ट आई विल जस्ट एक्सप्लेन JSON और SQL क्या होता है और क्यों ये इतने फेमस हैं कि आपको बहुत जगह पे मिल सकते हैं. सो JSON इज बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑन नोटेशन और ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है. यूनिवर्सल फॉर्मेट का मतलब है इसको ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझ पाते हैं. ठीक है, JSON का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज कहाँ पर होता है, जब आपका कोई सर्वर होता है और उस पर कोई API रखी होती है. अगर आपको APIs के बारे में नहीं पता है तो मैं एक दो वीडियोस के बाद APIs के ऊपर आपको काम करके दिखाऊंगा. आप जब API पे रिक्वेस्ट करते हो तो पलट के जब API आपको डेटा देता है वो जनरली JSON फॉर्मेट में होता है और यही JSON फॉर्मेट को अलग अलग लैंग्वेजेस पार्स कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं. जावा भी यूज कर सकता है, पाइथन भी यूज कर सकता है, कोई और लैंग्वेज भी यूज कर सकता है. एंड दैट इज वाई JSON इज अ वेरी पॉपुलर डेटा फॉर्मेट. ठीक है, और आप जब कैगल पे जाओगे तो हो सकता है आपको कुछ डेटा सेट्स ऐसे मिले जहां पे आपको JSON यूज करने की जरूरत पड़े. ठीक है, सेकंड इज SQL. SQL आई गेस आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. बेसिकली आप डायरेक्टली डेटाबेस से डेटा उठा करके अपने पैंडास डेटा फ्रेम में लोड कर रहे हो, दैट इज द होल आइडिया. ठीक है, ये भी बहुत फेमस है. कैगल पे बहुत सारे आपको डेटा सेट्स मिलेंगे जहां पर आपको SQL फॉर्मेट में डेटा मिलेगा. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दोनों के ऊपर थोड़ा सा कोड देखेंगे कि JSON के साथ कैसे काम करना है एंड SQL के साथ कैसे काम करना है. ठीक है, सो आई एम इन माई Jupyter नोटबुक. मैंने डे 16 बोल करके एक नया फोल्डर बना दिया और इसका ही मैंने GitHub रेपोजिटरी भी बना दिया है. सो आप वो GitHub रेपोजिटरी पे जैसे ही जाओगे आपको डे वाइज सारे के सारे कोड्स मिल जाएंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इम्पोर्ट पैंडास एज PD. ठीक है, और मैंने क्या किया है, मैंने एक नया डेटा सेट डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी. मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा है. देर इज अ डेटा सेट कॉल्ड रेसिपी, दिस वन गाइस. यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो एक फाइल में है train.json बोल के, और यहाँ पे बेसिकली अलग अलग क्यूजींस हैं और उन क्यूजींस के अंदर लाइक ये क्यूजीन है पता नहीं ग्रीक और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं. ठीक है, सिमिलरली ये कोई क्यूजीन है. ओके, हम एक्चुअली ओके हम ट्रेन वाला ही डेटा देख रहे हैं, क्यूजीन का नाम नहीं दिख रहा मुझे. अच्छा, ये प्रिडिक्शन किया गया है, मतलब बेसिकली एक क्लासिफिकेशन डेटा सेट है जहाँ पे आप इंग्रेडिएंट्स को देख करके डिसाइड करते हो कि वो कौन से टाइप का कुजीन है. ठीक है, एग्जैक्टली कौन सा कुजीन है वो नहीं पता, टाइप ऑफ कुजीन बताया हुआ है, जमैकन, मैक्सिकन, इटालियन. ठीक है, बेसिकली इंग्रेडिएंट्स देख के आपको बताना है कि आपका कुजीन का टाइप क्या है. सो हम ये JSON डेटा को पैंडास में लेके आएंगे और एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, अब ऑब्वियसली हमें प्रेडिक्शन करना नहीं है, वो हमारा अभी काम नहीं है, आप बाद में सीख करके कर सकते हो. बट यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको एक बहुत सिंपल सा कोड लिखना होता है, pd.read_json. जैसे read_csv होता था बिल्कुल वैसे ही read_json है. और यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना, आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है. फाइल मेरे सेम फोल्डर पे लोकेटेड है और इसको आप जैसे ही रन करोगे, सी दिस इज द डेटा फ्रेम, क्यूजीन का नाम आ गया और इंग्रेडिएंट्स का नाम आ गया इनसाइड अ लिस्ट. ठीक है, हमारे पास टोटल 39,000 अलग डिशेस हैं और तीन कॉलम्स हैं. ठीक है, और यहाँ पे ID है, इसका कुछ जरूरत नहीं है एज सच. तो या दैट्स इट, दैट्स हाउ सिंपल इट इज. ठीक है, अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखो तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे read_csv में थे, जैसे d type हमने पढ़ा था, convert dates हैं यहाँ पे. ठीक है,
यहाँ पर एनकोडिंग भी है, कभी कभी अगर आपको UTF-8 नहीं मिल रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी वो चंक साइज वाली चीज है कि अगर आपका जेसॉन फाइल बहुत बड़ा है आप उसको चंक्स में लोड कर सकते हो सो दैट आपके रैम के ऊपर हैवी ना पड़े। यहाँ पे भी एनरोज है, आप कितने रोज लोड करना चाहते हो। ठीक है, तो आप एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन जाके चेक कर लेना, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इफ पॉसिबल थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर लेना कैगल पे अलग अलग डेटा सेट्स खोज करके। एक चीज मैं आपको जल्दी से और दिखाता हूँ कि आप रीड अंडरस्कोर जेसॉन को यूज करके चाहो तो एक यूआरएल से भी जेसॉन को लोड कर सकते हो। जैसे ये तो मेरे मशीन पे था ये वाला फाइल, और लेट्स से ये एक यूआरएल है जहां पे ये एक जेसॉन पड़ा हुआ है, दिस इज द जेसॉन डेटा जो इस एपीआई से मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको पैंडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो कुछ खास करना नहीं है, मुझे बस इस यूआरएल को कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर, pd.read_json, और यहाँ पे बस आपको ये यूआरएल को पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। और अब आप इसको जैसे ही रन करोगे यू वुड सी कि आपके पास आपका डेटा फ्रेम आ चुका है। सो ये एक्चुअली करेंसी एक्सचेंज रेट्स का डेटा सेट है, INR का अलग अलग करेंसीज में करेंटली वैल्यू कितना है ये डेटा सेट है, और मेरे पास 160 रोज हैं और 7 कॉलम्स हैं। ठीक है, सो या दैट इज हाउ सिंपल इट इज। ठीक है, तो रीड अंडरस्कोर जेसॉन बिहाइंड द सीन्स बहुत सारा हैवी लिफ्टिंग कर देता है, सो आपको उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेट्स मूव ऑन टू सीक्वल डेटा। ठीक है, बिफोर दैट आई जस्ट डू वन थिंग, मैं एक सेल ऐड करके इस नोटबुक को थोड़ा सा और रीडेबल बना देता हूँ, वर्किंग विथ जेसॉन, और यहां पर आई कैन राइट वर्किंग विथ सीक्वल। ठीक है, तो सीक्वल के लिए मैं ये डेटा सेट यूज कर रहा हूँ कैगल से। ये एक्चुअली वर्ल्ड सिटीज का डेटा सेट है। ठीक है, और ये सीक्वल फॉर्मेट में है, सो ये सीक्वल फाइल है ये जो आपकी स्क्रीन पर है, और इस तरह की फाइल्स आपको बहुत मिलेंगी कैगल पे। अब मेरा काम क्या है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू पैंडास का डेटा फ्रेम। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है, और इस फाइल को डाउनलोड आप बहुत इजीली कर सकते हो, एक बार आपको बस कैगल पे लॉग इन करना है सो। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा, इसको बोलते हैं जैम। सी द एंटायर फ्लो इज दिस कि आप सबसे पहले इस सीक्वल फाइल को अपने मशीन पे एक डेटाबेस के ऊपर रन करते हो, कोई भी डेटाबेस हो सकता है, माई सीक्वल, पोस्ट ग्रे या फिर सीक्वल लाइट, कुछ भी यूज कर सकते हो, आई प्रेफर माई सीक्वल। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको जैम बोलते हैं, और जैसे आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप जैम्प जैसे सर्च करोगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा जैम्प कंट्रोल पैनल, इसको आप जैसे ओपन करोगे आपको ये कंट्रोल पैनल दिखेगा। अगर आपने कभी पास में वेब डेवलपमेंट किया होगा तो आपको शायद ये सब चीज पता होगी। यहाँ पे आपको दो चीजों को स्टार्ट करना है, अपाचे विच इज योर वेब सर्वर एंड माई सीक्वल विच इज योर डेटाबेस सर्वर, इन दोनों को स्टार्ट कर देना है, फिलहाल मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और एक बार जब आप ये कर लो फिर आपको क्या करना है, आपको एक यूआरएल हिट करना है अपने मशीन पर, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नया, ये सारे मेरे डेटाबेसेस हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पर एक नया डेटाबेस बनाना है, सो आई क्लिक ऑन न्यू, और यहाँ पे मैं एक नया डेटाबेस बनाऊंगा बाय द नेम ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि मेरे डेटा सेट का नाम वही है, सो वर्ल्ड और क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। सी यहाँ पे डेटा सेट बन गया, डेटा बेस बन गया एक्चुअली, और फिर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, चूज फाइल एंड आई विल गो टू द बॉटम ऑफ द पेज टू W, मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया, ये रहा वर्ल्ड डॉट सीक्वल, इसको मैं ओपन करूंगा। ठीक है, और अब बस मैं इस फाइल को कंप्लीटली इंपोर्ट कर लूंगा, थोड़ा टाइम लगता है डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा सीक्वल फाइल है, सीक्वल फाइल्स जनरली बड़े होते हैं क्योंकि डेटाबेस में काफी डेटा रहता है। सो ये देखो यहाँ पे बोल रहा है 5344 क्वेरीज एग्जीक्यूटेड, और अगर आप देखो वर्ल्ड में तो ये तीन टेबल्स बन गए, सिटी कंट्री और कंट्री लैंग्वेज बोल के। सो अगर मैं सिटी पे क्लिक करूँ
तो ये मेरी सारी सिटीज हैं, उनका कंट्री कोड है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है, पॉपुलेशन कितना है, ये कंट्री है, ये सारी कंट्रीज का डिटेल है, सरफेस एरिया, इंडिपेंडेंस ईयर, पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और यहाँ पे कंट्री लैंग्वेज है, ठीक है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। और अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को पैंडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं माई सीक्वल डॉट कनेक्टर। इस लाइब्रेरी का काम होता है पाइथन को माई सीक्वल से बात करवाना, ठीक है, क्योंकि डेटा आपका माई सीक्वल डेटाबेस में है, आपको कहाँ पे चाहिए, पाइथन में। तो यू विल हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज जो दोनों सॉफ्टवेयर को आपस में बात कराए, और वो ब्रिज कौन है, आपका माई सीक्वल डॉट कनेक्टर लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल माई सीक्वल डॉट कनेक्टर। इस कोड को आप जैसे ही रन करोगे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, बस आपको नेट से कनेक्टेड रहना है। सी मेरे केस में इट सेज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड माई सीक्वल डॉट कनेक्टर। अब मैं इसको इम्पोर्ट कर लूंगा, सो आई विल राइट इम्पोर्ट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर। इम्पोर्ट हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कनेक्शन क्रिएट करना है पाइथन के थ्रू टू योर डेटाबेस, और वो आप कैसे करते हो, आप अपनी लाइब्रेरी का नाम लिखते हो माई सीक्वल डॉट कनेक्टर डॉट। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपको कनेक्ट बोल के एक फंक्शन चाहिए होता है। इसमें आप चार चीजें पास करते हो, फर्स्ट आपका डेटाबेस सर्वर का आईपी एड्रेस, मतलब आपका डेटाबेस कौन सी मशीन पे रन कर रहा है, आपकी खुद की मशीन पे रन कर रहा है, तो आप होस्ट का वैल्यू डाल दोगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब मेरे खुद का मशीन। अगर आप किसी रिमोट सर्वर के साथ काम कर रहे हो तो आपको उसका आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, AWS वगैरह के साथ अगर आप काम कर रहे हो। नेक्स्ट इज आपका यूजर नेम ऑन दैट मशीन। हम सभी का यूजर नेम शुरू में रूट होता है जब हम जैम्प के साथ काम करते हैं, ठीक है। पासवर्ड एम्प्टी, अभी कुछ भी नहीं है। और फिर आपको बताना होता है कि उस डेटाबेस सर्वर पे कौन सा डेटाबेस, क्योंकि यू कैन सी यहाँ पे और भी डेटाबेसेस हैं, बट मुझे कौन सा चाहिए, वर्ल्ड। सो आई विल राइट डेटाबेसेस वर्ल्ड, ठीक है, RLD, ठीक है। अब इस कोड को आप जैसे ही रन करोगे आपको पलट के एक माई सीक्वल कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है, और ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट को यूज करके ही आप अपना काम आगे करते हो। तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग इट कॉन एज इन कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है, आपके पास एक फंक्शन होता है पैंडाज में, इट्स कॉल्ड रीड अंडरस्कोर सीक्वल अंडरस्कोर क्वेरी। इसको दो चीजें बतानी होती हैं, फर्स्ट एक सीक्वल क्वेरी और दूसरा आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन इंटरनली ऑटोमेटिकली आपका पैंडास डेटा फ्रेम क्रिएट कर देगा। जैसे लेट मी शो यू कि मुझे चाहिए है ये सिटी वाला पूरा का पूरा टेबल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक स्ट्रिंग सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटी, मेरा टेबल, और मैं अपना कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। और अब मैं इस कोड को जैसे ही रन करूंगा यू कैन सी जो चीजें मेरे पास यहाँ पर थी एग्जैक्टली वही चीजें यहाँ पर आ गई, ठीक है। और आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो, एक्चुअली आप क्वेरी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपको सीक्वल आता होगा तो आपको पता होगा कि आप कई चीजें कर सकते हो, वेयर कंट्री कोड इज लाइक, आई एम नॉट श्योर इंडिया IND लिखा हुआ है कि नहीं, बट ट्राई करते हैं। सी मैंने फिल्टर कर दिया मेरे डेटा को, अब मेरे पास सिर्फ 341 रोज आ रहे हैं, क्योंकि अब मेरे पास जितनी भी सिटीज हैं वो सब इंडिया की है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे USA लिखता तो सिर्फ USA की सिटीज आती, 274 सिटीज, ठीक है। तो ये सीक्वल अगर आपको आता है तो सीक्वल को यूज करके आप कुछ भी क्वेरी लिख करके डेटा को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे लेट्स से चाहिए होता ये वाला टेबल, कंट्री वाला टेबल, तो इन दिस केस मैं क्या करता, मैं यहाँ पे लिखता सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी के बदले आई वुड हैव रिटन कंट्री, ठीक है, या और रन किया, ये देखो गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी फिल्टर लगा सकते हो। जैसे आपको ये लगाना है कि मुझे उन कंट्रीज का नाम चाहिए जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ग्रेटर देन 59 या 60, तो आप क्या कोड लिखोगे, आप ये लिखोगे कॉल
copy where life expectancy is greater than 60. और अब यहाँ पे देखो आपको सिर्फ वही कंट्रीज मिलेंगी, सिर्फ 167 कंट्रीज आ रही हैं जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ग्रेटर देन 60. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे टेबल का नाम दे देना है, ठीक है. मैं एक लास्ट चीज बताता हूँ आपको, जैसे दिस इज द थर्ड टेबल, एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं. सो वी वुड राइट लाइक दिस, और फिर आपको पता ही आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, df is equal to this, और फिर आप df को अगर प्रिंट करोगे, ये आपके पास आपका डेटा फ्रेम, ठीक है. तो बहुत ही काम का फंक्शन है ये. अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट जो भी ऑप्शंस है बहुत काम के ऑप्शंस है. आप इंडेक्स कॉलम बना सकते हो. देखो मैंने SQL पास किया मेरा क्वेरी, और मैंने कनेक्शन पास किया, ये दोनों चीजें मैंने पास की. आप इंडेक्स कॉलम, मैंने आपको बताया था रीड अंडरस्कोर सीएसवी में, आप पार्स डेट्स यूज कर सकते हो. अगर आपका कोई पर्टिकुलर टेबल का कॉलम इज अ डेट, आप ये वाला चीज यूज कर सकते हो. और यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है चंक्स में अपने डेटा को लोड करने का, सो दैट आपके रैम के ऊपर प्रेशर ना पड़े, ठीक है. तो अगेन आप ये डॉक्यूमेंटेशन जाके चेक करो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो अलग अलग डेटा सेट्स के साथ. SQL के साथ काम करने के और भी एक दो तरीके होते हैं, बट मैंने जो आपको बताया ये सिंपल वाला है और काम कर जाता है. मैं पर्सनली यही यूज करता हूँ जब भी मेरे पास SQL का डेटा होता है. सो या आज हमें इतना ही करना है. हमने दो चीजें कवर की, JSON के साथ कैसे काम करना है, SQL के साथ कैसे काम करना है. और अब कल के वीडियो में हम लोग एक API से डेटा फेच करके हमारा डेटा फ्रेम बनाएंगे, ठीक है. तो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.